हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी है, आपको क्या पढ़ना है। ओके, बता दिया करिए, वैसे हम क्लास सेंड करेंगे। और सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कुछ रेखा चित्र वगैरह जो हमारी लास्ट विधा है 10वीं, उसके कराने को हैं क्वेश्चन। तो मैं उसका मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँगी, लगभग 50 क्वेश्चन, आप लोग चिंता मत करिए। और अगर आप प्रैक्टिस सेट में इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे प्रैक्टिस सेट में इनरोल कर सकते हैं। और इस समय जो है आपको जो हमारे 21 मॉक टेस्ट थे उनमें से 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिनकी फ़ीस ली जा रही है। और बाकी जो हमारे 21 हैं, 11 मॉक टेस्ट होंगे, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनरोल कर सकते हैं, डेमो क्लास देखिए और प्रैक्टिस सेट में इनरोल करिए। ओके, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, 10 जो प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे उनकी फ़ीस आपसे ली जाएगी 299 रुपये, और बाकी जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, अब तक जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे और लोग भी लाभ ले सकें। ओके फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत क्वेश्चन सन 2018 जुलाई में पूछा गया था, भंवर गीत किसकी रचना है? सन 2018 जुलाई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बी आंसर होगा नंदास। और भ्रमर गीत जो है भ्रमर दूत सूरदास जी की है। ठीक है, और ये चारों ही कवि जो है अष्ट छाप के कवि हैं, सूरदास, नंदास, चतुर्भुजदास और कृष्णदास। ठीक है, और जो अष्ट छाप है उसकी स्थापना 1565 में विट्ठलनाथ जी ने की थी। ओके, और ये सभी कवि जो थे, जो रचनाकार थे, ये श्रीनाथ मंदिर जो था वहाँ पर ये कीर्तन करते थे। ठीक है, इनकी अष्टछाप मंडली थी, उसी को एकत्रित कर विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 में कर दी थी। आपको बता दें, भ्रमर गीत जो है, भ्रमर गीत नंदास जी का है, भ्रमर गीत सूरदास जी का है, और भ्रमर दूत जो है सत्यनारायण कविरत्न जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लवाचार्य किस संप्रदाय के जनक थे? तो बल्लवाचार्य जो थे शुद्धाद्वैतवाद के थे, और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। अद्वैतवाद जो है माध्वाचार्य का है, और द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बकाचार्य का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर बाहुबली दास की किसकी रचना है? तो वह है शालीवत सूरी की, और शालीवत सूरी को प्रथम कवि माना है गणपतचंद जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर, असत्य कौन सा है और या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो HPSC का पेपर हुआ था तो उसमें यहाँ पे इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन जो थे, सभी टाइप के क्वेश्चन या इसी टाइप करके पूछे गए थे कि असत्य है। ठीक है, तो संभवतः नेट में भी पूछा जा सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। आदिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग भी कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। डी आदिकाल को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो डी राइट है, सी भी राइट है और बी भी राइट है। सिद्ध सामंत युग जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, नो सॉरी, सिद्ध सामंत युग जो है राहुल शांक्रत्यायन जी ने आदिकाल को कहा है, और श्रृंगार काल जो है रीत काल को कहा जाता है, जो विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा है। ठीक है, तो ए आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? अभी बता चुके हैं आपको, तो रीत काल जो है, रीत काल को 3 भागों में बांटा गया है, और जिसको श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिवध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त धारा में किसने भेद किया है? तो ये 3 धाराएं हैं रीत काल की, जिसमें रीतिवध में देव भूषण, पद्माकर, सेनापति मतिराम, ठीक है, आते हैं। रीति सिद्ध में विहारी आते हैं, रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आते हैं। तो इसमें पूछा गया है, रीतिसिद्ध मुक्त और रीति मुक्त धारा में किसने भेद किया है? तो वह ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्या प्रतिकृत पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति जो है उन्होंने पदावली लिखी है,
जिसमें राधा कृष्ण जी का वर्णन किया है मैथिली भाषा में, और इसी रचना पर इन्हें मैथिली कोकिल भी कहा गया है, और इसी रचना पर इन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने श्रृंगारी कवि कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कवि कृष्ण काव्य धारा से संबंधित नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है जुलाई 2018 में पूछा गया था कि इनमें से कौन राम काव्य धारा से संबंधित नहीं है, तो उसमें प्राणचंद चौहान थे। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है कृष्ण काव्य धारा के जो है उसमें पूछा गया था कि राम काव्य धारा के हैं, ठीक है, और इसमें पूछा गया है नहीं है, तो रसखान भी हैं, सूरदास भी हैं, कृष्णदास भी हैं, ठीक है, कृष्ण काव्य धारा की, और नहीं है वो है कबीरदासी, कबीरदासी जो ज्ञान मार्गी शाखा से आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति में राम कथा का वर्णन नहीं है? तो संशय की एक रात, इसमें राम जी जब युद्ध करने जाते हैं तो उस नरेश मेहता जी ने इसमें वर्णन किया है संशय की एक रात का, और राम की शक्ति पूजा आपको मालूम होगा निराला जी की रचना है, 1938 में प्रकाशित हुई थी, और साकेत 1931 में प्रकाशित हुई है, मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है, इसमें उर्मिला जी जो है उनके जीवन का वर्णन किया गया है, और अग्निलेख जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, इसमें राम जी की कथा का वर्णन नहीं किया गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, छायावाद का प्रवर्तक जो है जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने जयशंकर प्रसाद को माना है, और बाकी सभी जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने मुकुंदर पांडे को माना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कवि राम भक्त नहीं है? तो राम भक्ति नहीं है पूछा गया है, तो देखिए अग्रदास भी हैं, इन्हें अग्र अली भी कहा गया है, सीता जी की सखी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, तुलसीदास जी भी हैं और माधवदास भी हैं, बी जो सुंदरदास हैं ये नहीं है, ठीक है, ये कृष्ण भक्त हैं, और ये जो श्रृंगार रस है उसके घोर विरोधी हैं, और जो कृष्ण भक्त हैं उनमें सबसे शिक्षित हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, सूरदास का भ्रमर गीत सार किस कृत से अनुप्रेरित है? तो श्रीमद्भागवत से सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, जो श्रीमद्भागवत से अनुप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य परिषद कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नाट्य परिषद जो है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको, विट्ठलनाथ जी ने की थी, और ये 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। विट्ठलनाथ जी के चार शिष्य हैं और वल्लभाचार्य जी के इसमें चार शिष्य हैं, और दोनों के शिष्य मिलाकर ये अष्टछाप की स्थापना की गई थी। विट्ठलनाथ जी के इस तरीके से आप याद करिए, बैठो गोविंद छत पे चतुर नंद है, तो बैठो विट्ठलनाथ, ठीक है, बैठो गोविंद गोविंददास, चतुर चतुर्भुजदास, और नंद जो है नंददास, बैठो गोविंद छत पे, तो छीत स्वामी हो गए, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और बल्लवाचार्य के हैं, बल्ले बल्ली बल्ली के सुर पे कृष्णा नाचे, ठीक है, तो बल्ले के सुर पे कृष्णा नाचे बल्लवाचार्य, और सुर सूरदास, कृष्णा कृष्णदास, और जो नाची हो गया इसमें कृष्णा नाची कहा है, तो इसमें ये इनके चार शिष्य हो गए हैं। नेक्स्ट है, कौन सी रचना सूफी काव्य का अंग नहीं है? तो उसमें जो है चित्रावली भी है, चित्रावती भी है, इंद्रावती भी है, और मृगावती भी है, ये जो है ढोला मारू कथा जो है लौकिक कथा है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा। ओके, धन्यवाद।